नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। महागठबंधन के घटक दल हम पार्टी के प्रमुख सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उपचुनाव को लेकर अपनी मनसा साफ कर दी है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने उपचुनाव में एक सीट की मांग रखी है। चौबीस को निकल रहे हैं तो कल ही आज ही निकल रहे हैं तो 24 को 25 को हम भागलपुर में, 26 को हम खगड़िया में हैं और कटिहार में हैं, 28 को हम लोग अररिया में हैं। हम सुपौल में 28 तारीख को करके हम यहाँ लौटते हैं। वो हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, उस मीटिंग में बुलाया जाएगा तो ये मांग वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि टेलीफोन पर हम उनसे तेजस्वी तिहारी से बात किया है और फिर एक बार के सनी भी मेरे पास आए थे। उस समय भी विचार पक्ष में यही हुआ था, एक सीट आप रखिए बाकी और लोग रहेंगे, तो उसी आधार पर हमने एक सीट का मांग। जहां हल्की सी बारिश में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वहीं स्कूल जाते समय बच्चे कीचड़ से बचने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉलीथीन बिहार में बंद है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सड़क 2 साल पहले बनी, पर स्थिति आपके सामने है। एक सड़क बनी भी तो 400 मीटर की सड़क 300 मीटर में सिमट कर रह गई। वहीं यहां के विधायक राष्ट्रीय जनता दल के रामानंद यादव हैं, जिन्हें शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां के लोग किस स्थिति में जीने को मजबूर हैं। लेकिन लगता है कि इस बार रामानंद यादव की टिकट कटने वाली है, क्योंकि फतुहा विधानसभा की जनता अब परिवर्तन चाहती है। बारिश हो जाता है तो हम लोग को आने जाने में नहीं बनता है और बच्चे लोग को स्कूल से आने जाने में भी तकलीफ होते रहता है। मतलब थोड़ा भी बारिश पड़ा तो फिर चप्पल हाथ में उठा करके जाने पड़ता है, गाड़ी तो रुक जाती है, गाड़ी तो आगे की ओर जाती नहीं है। राजधानी पटना के परसा बाजार थाना अंतर्गत सदलीचक और दरियापुर गांव में हल्की सी बारिश में वहां के रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आलम यह है कि बच्चे अपने स्कूल तक नहीं जा पाते हैं और अगर स्कूल जाते भी हैं तो पैर में पॉलीथीन बांधकर। बता दें कि पिछले 2 साल पहले इस रोड को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वह थम सा गया है। रोड के दोनों तरफ ही गड्ढे कर दिए गए हैं। मिट्टी भरने के लिए उसी रोड के बगल वाले जमीन का इस्तेमाल करके उसी को मिट्टी से बनाया गया है और यह ऐसी स्थिति हो गई है कि दोनों तरफ बरसात का पानी भर गया है। वहीं यह सड़क खुलेआम किसी बड़ी दुर्घटना को इनविटेशन दे रही है। मिट्टी गिरा के गड्ढा गुड्ढी है, उसको बहुत दिक्कत होता है, टेम्पू आने में जाने में बच्चा को स्कूल दिक्कत होता है, इसमें कोई व्यवस्था आप लोग कीजिए। बच्चा लोग जा रहा था पॉलीथीन पहन कर पैर में स्कूल, बच्चा लोग पॉलीथीन पहन के जा रहा था लोग, उससे बहुत गार्जियन को प्रभाव पड़ता है, दिक्कत होता है। एक ओर सरकार स्वच्छता की बात करती है, स्वास्थ्य के लिए सजग रहने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस गांव में खुलेआम ही मरे हुए पशुओं को फेंक दिया जाता है और पशु मरने के बाद कुछ ही दिनों में दुर्गंध आने लगती है, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि राजधानी पटना से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है। इस गाँव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर महज 1 मीटर की दूरी पर है, जहाँ यह दृश्य देखने को मिल रहा है। काफी दुर्गंध आती है, बदबू आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, और कुत्ता भी है, इतना है कि आने जाने में काटने वाले को बहुत काटता है कुत्ता, दिक्कत है। और क्या, कुत्ता किसको काटती है? आने जाने वाले आदमी को काटती है। मतलब राहगीर को कुत्ता काटता है? हाँ हाँ हाँ।
बात करें बेगूसराय की तो बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने सीएम के साथ साथ बिना नाम लिए डिप्टी सीएम को भी अपने निशाने पर लिया। चमथा दियारा में गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार बीजेपी की हो, जदयू की हो या फिर उपमुखिया की, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वो समझेंगे कि बेगूसराय से सौतेलापन हो रहा है। अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम क्या करें, हम आत्महत्या कर लें, हम चुप रहें, हम कुछ ना बोलें। मैं आज भी कह रहा हूं कि जो हालात है, देखिए देखिए कैसे, उधर देखिए उन लोगों को देखिए कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर हम सरकार से ना डिमांड करें तो हम किस से डिमांड करें, और सरकार राज्य की होती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे जदयू की सरकार हो, मुखिया रहे कोई, उपमुखिया रहे कोई, अगर ये नहीं होगा तो मैं तो समझूंगा कि बेगूसराय से सौतेलेपन का व्यवहार जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक भाषा, ये राजनीतिक भाषा नहीं है, ये पीड़ा है। यहाँ के मुखिया को देखिए, हट होना आया है, हट डूबा हुआ है, गैप करके आया। अब इस यही परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं फिर से डीएम से बात किया हूँ, अभी दादोपुर तरफ गए थे, फिर डीएम से बात करूँगा, भरसक कोशिश करेंगे कि इस दुख में हम राजनीति नहीं करते, लेकिन इस दुख के घड़ी में हम जनता के साथ खड़े थे। करणी सेना के स्थापना दिवस को लेकर सासाराम में करणी सेना से जुड़े युवाओं ने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर राकेश सिंह ने बताया कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच फल का वितरण किया जा रहा है। जी, आज सिराजपुर करणी सेना का स्थापना दिवस है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी का आदेश था कि सभी सरकारी अस्पताल में घूमकर मरीजों को फल वितरण किया जाए, उसी के आदेशानुसार हम लोग फल वितरण कार्यक्रम में लगे हैं। परमानंद ठाकुर को लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन मसौढ़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही राष्ट्रीय नेता एवं पार्टी संरक्षक सत्यानंद शर्मा को भी बधाई कार्यकर्ताओं ने दिया है। अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन अनुमंडल शाखा की बैठक हुई, जिसमें लोक जन शक्ति पार्टी सेकुलर अति पिछड़ा के नेता एवं शुभचिंतक एवं प्रखर वक्ता परमानंद शर्मा को बिहार प्रदेश का कमान सौंपा गया है, जिसमें हम लोग जो है पूरे ट्रेड यूनियन के लोग, नाई संघ के लोग, तमाम लोग उनको जो है धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बेगूसराय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तीसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बलिया प्रखंड और साहेपुर प्रखंड के कई पंचायतों का जायजा लिया और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन गिरिराज सिंह के सामने उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक बाढ़ पीड़ित फफक फफक कर रोने लगा। बलिया के नौरंगा ढाला के समीप पहाड़पुर पंचायत के सहबेगपुर दियारा निवासी पंकज कुंवर ने मंत्री से कहा कि प्रशासन द्वारा नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने पर ब्याज पर रुपए लेकर उन लोगों ने नाव खरीदा है। वहीं गिरिराज सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि अविलंब राहत कार्य चलाए जाएंगे। अब ये होले हैं ओकर निदान के उपाय सोचल जीते। बड़ी नाव पर झंडा गाड़िए सरकार का, झंडा लगाइए। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 111वीं जयंती शहर से लेकर उनके पैतृक गांव सिमरिया में मनाई गई।
आज डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार समेत जिले के वरीय अधिकारियों ने जीरो माइल चौक, सिमरिया गांव चौक और उनके घर पर दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं डीएम ने उनके घर और उनके जर्जर बैठका सह दलान का जायजा भी लिया। बहुत ही खूबसूरत लगा उनके इस जन्म स्थान सिमरिया ग्राम में आकर, हर एक घर में उनकी रचनाएं देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव अच्छा लगा। और इनफैक्ट हम लोग गाड़ी में आ रहे थे इसके साहब के साथ, तो काफ़ी हम लोग देख ही रहे थे, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी में, बहुत अच्छा रहा। और ये कार्यक्रम जगह जगह पर जहाँ उनकी प्रतिमाएँ हैं उनको माल्यार्पण किया जा रहा प्रशासन के द्वारा और सभी के द्वारा, और ये दिन भर चलता रहेगा कार्यक्रम, शाम को भी कार्यक्रम है, इसमें किया जाएगा कर्मियों को राष्ट्रीय सम्मान से और जनपदीय सम्मान से कर्मियों का चयन किया गया है द्वारा, उनको दिया जाएगा। और मैं इसी अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, सदस्यों को और सभी लोगों को बहुत बहुत। लखीसराय जिले के समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लखीसराय एसपी सुशील कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि मेदनी चौकी थाना अंतर्गत ग्राम मिल्की में सेवानिवृत्त शिक्षक को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक दिनेश चौधरी के घर पे 6 अपराधकर्मियों के द्वारा लूट की गई थी 19 तारीख की रात में। तो उसी में हमने एक एस आई टी बनाई हुई थी, उन्होंने बहुत ही तत्परता से इस कांड का उद्भेदन किया है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक है कृष्णनंदन कुमार उर्फ क्रिस गेल, पेशर हारोबिंद बसगढ़ा का है, ये उस घटना में शामिल था और उसकी निशानदेही पे उसके पास से एक पासबुक जो कि वो वहाँ से लूटा गया था उसमें पासबुक भी लेके गए थे, वो पासबुक भी बरामद हुआ। और दूसरा कि इसने इसके हिस्से में जो जेवरात आए थे वो इसने एक व्यापारी है जेवर का, धनंजय कुमार वर्मा, वो भी मेदनी चौकी बाज़ार में इसका बाज़ार है, इसके यहाँ बेचा था, तो वो जेवरात भी बरामद हुआ है। और चूँकि चोरी का सामान खरीदने के उसमें ये व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, 5 और हैं जिसकी पहचान हो चुकी है और लगातार छापेमारी चल रही होगी। भागलपुर नगर निगम में कुछ दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बता दें कि 25 सितंबर नगर निगम में पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। वहीं नगर निगम के करीब 20 पार्षद शहर से गायब है और वह कहां है यह किसी को नहीं पता। वहीं इन पार्षदों के नेपाल में अय्यासी करने की सूचना भी सामने आ रही है। भागलपुर के पार्षद अपने देश में ही नहीं विदेश में जाकर भी शराब और शबाब का लुत्फ उठा रहे हैं। उनको आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष पार्षद तो छोड़िए, महिला पार्षद भी रुपयों की गड्डी उड़ा रही है। जो पार्षद चुनाव के समय में जनता के लिए तरह तरह के वादे करते हैं उनको जनता की कितनी चिंता है वीडियो में आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।